पुष्कर के घाटों पर जगमगाए हजारों दीपक, लोगों ने दीपदान कर रोशन किए पुष्कर के 52 घाट। अद्भुत नजारों को लोगों ने किया कैमरे में कैद। पवित्र पुष्कर सरोवर के किनारे स्थित घाटों पर पुष्कर के लोगों द्वारा दीपदान किया गया। इस दौरान पुष्कर के सभी 52 घाट पर हजारों दीपक जगमगाए। पुष्कर के JMS द स्कूल ने चौड़ी पीढ़ी घाट पर दीपदान किया। वहीं URM स्कूल ने बद्री घाट और गायत्री बाल मंदिर ने वरा घाट पर दीपदान कर पुष्कर राज की आरती की। इस नजारे को देखने के लिए हजारों देशी व विदेशी लोग घाटों पर एकत्रित हुए। शाम होते ही हजारों दीपक एक साथ जल उठे और पुष्कर के घाटों पर अद्भुत नजारा बन गया, जिसे देशी और विदेशी सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया। दीपदान किया कैसा लगा और क्या उद्देश्य है दीपदान करने का? आज हमने ये दीपदान जो करा हमें बहुत अच्छा लगा इस दीपदान में। और डिजिटल इंडिया और ब्रह्मा जी के पुष्कर का टाइटल लेके हमने ये रंगोली बनाई। आप देख सकते हैं कि हमने ये क्लीन पुष्कर, ग्रीन पुष्कर और डिजिटल इंडिया कराया। नाम बताइए। अभिषेक पारशु JMS। आरती में शरीर हुए कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज एक आत्मा में एक शांति मिली। ऐसे आयोजन होते रहे पुष्कर के अंदर और तीर्थ गुरु की आरती आज मैंने पहली बार तो बहुत ही अच्छा लगा। नाम बताइए आप। लाला लाला इंटरनेशनल। सर मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, आज गोपाष्टमी के इस पावन पर्व पे नगर पालिका पुष्कर की ओर से जो है सभी स्कूलों को यहाँ पर आमंत्रित करा गया है, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता और दीपदान प्रतियोगिता का आयोजन करा गया है। इसी के तहत कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब लोग यहाँ पर पुष्कराज महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे का पूरा नज़ारा जो है ये क्लीन पुष्कर और ग्रीन पुष्कर का मैसेज दे रहा है। हम लोगों ने हमारी रंगोली के माध्यम से डिजिटल इंडिया और पुष्कर मेले का महत्व बताने की पूरी कोशिश करी है और ये सारी की सारी जो तैयारियाँ हैं शाला परिवार के बच्चों के द्वारा की गई। आपका नाम और स्कूल बता दीजिए। अरविंद शर्मा, निदेशक JMS स्कूल पुष्कर।